हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Not hypocrisy, it's a hippo। यह कहने की जरूरत नहीं कि कहीं अकल तो कहीं ताकत के बल पर स्तनधारी आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। जमीन पर ही नहीं, पानी में और एक हद तक हवा में उनका साम्राज्य चलता है। ऐसा हमेशा नहीं था। मसलन अब से 6 करोड़ साल पहले दुनिया पर डायनासोरों का राज था, जो अंडे देने वाले सरीसृप वर्ग के प्राणी थे। फिलहाल स्तनधारियों की कुल 5,676 किस्में दुनिया में मौजूद हैं। सबसे छोटा स्तनधारी किसे माना जाए, पिग्मी श्रू नाम के छछूंदर को या किटीज हॉग नोज्ड बैट नाम के चमगादड़ को, यह दोनों ही सबसे छोटे स्तनधारी की रेस में सबसे आगे हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल संसार का सबसे बड़ा प्राणी भी है। दरअसल व्हेल कई सारी अलग अलग जीव जातियों का पारिवारिक नाम है। इनमें सबसे बड़ा ब्लू व्हेल है, जिसकी लंबाई 100 फुट और वजन 180 टन तक जा सकता है। सबसे खतरनाक ध्रुवीय भालू, भेड़िया और शेरबाघ जैसे मांसाहारी स्तनधारियों के अलावा हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा और भैंसा जैसे शाकाहारी स्तनधारी भी अपने अपने दायरे में बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन कुत्ते जैसे दिखने वाले भौंडे और बदसूरत जानवर लकड़बग्घे से ज्यादा खतरनाक इनमें किसी को भी नहीं माना जा सकता। अतः हम इन्हीं स्तनधारियों में से एक दरियाई घोड़े के बारे में आपसे बात करेंगे। यह बाघ, शेर, तेंदुआ और गेंडे की तरह शक्तिशाली होता है, तो चलो देखते हैं कि दरियाई घोड़ा आखिर दरिया में कितना तेज भाग सकता है और क्या हम उसकी सवारी कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दरियाई घोड़ा या जलीय घोड़ा एक विशाल और गोलमटोल स्तनपाई प्राणी है, जो अफ्रीका का मूल निवासी है। दरियाई घोड़े नाम के साथ घोड़ा शब्द जुड़ा है एवं हिप्पोपोटामस शब्द का अर्थ वाटर हॉर्स यानी जल का घोड़ा होता है, परंतु उसका घोड़ों से कोई संबंध नहीं है। यह शाकाहारी प्राणी नदियों एवं झीलों के किनारे तथा उनके मीठे जल में समूहों में रहना पसंद करता है। उसे आसानी से विश्व का दूसरा सबसे भारी स्थलजीवी स्तनी कहा जा सकता है और यह 14 फुट लंबा, 5 फुट ऊंचा और 4 टन भारी होता है। उसका विशाल शरीर स्तंभ जैसे और ठिंगने पैरों पर टिका होता है और पैरों के सिरे पर हाथी के पैरों के जैसे चौड़े नाखून होते हैं। आंखें सपाट सिर पर ऊपर की ओर उभरी रहती हैं और कान छोटे होते हैं। शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं, केवल पूंछ के सिरे पर और होंठों और कान के आसपास बाल होते हैं। चमड़ी के नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है, जो चमड़ी पर मौजूद रंध्रों से गुलाबी रंग के वसायुक्त तरल के रूप में गीली रहती है। इससे चमड़ी गीली एवं स्वस्थ रहती है। दरियाई घोड़े की चमड़ी खूब सख्त होती है। इनके पसीने में एक लाल रंग का बैक्टीरिया रोधी सनस्क्रीन द्रव होता है, जो इन्हें धूप और कीटाणुओं से बचाता है, और अगर ये पानी से बाहर निकलते हैं और धूप के संपर्क में आते हैं तो इनकी त्वचा को ठंडा रखने के लिए यही लाल रंग का विशेष तरल स्त्राव होता है, जो ब्लड स्वेट कहलाता है। दरियाई घोड़ों की 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने जीव वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि दरियाई घोड़े को तैरना नहीं आता। ये विशालकाय शरीर की वजह से पानी में तैर नहीं पाते, लेकिन ये अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारते हैं। इन्हें पानी में रहना बहुत पसंद है, यही वजह है कि इन्हें दरियाई घोड़ा कहा जाता है। ये पानी में आगे बढ़ने के लिए तैरते नहीं हैं, बल्कि अपने पैरों से जमीन को धक्का देते हैं और ये पानी के अंदर काफी देर तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। शरीर की विशेष बनावट की वजह से दरियाई घोड़े के लिए जलीय जीवन बहुत ही अनुकूल है। इनके नाक, कान, आंख शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से होते हैं, इसलिए ये पानी में आधा डूबकर भी देख सुन सकते हैं। हिप्पो पूरी तरह से शाकाहारी जानवर है, इसे घास खाना पसंद है और ये शाम के समय में पानी से बाहर निकलकर कई घंटों तक चारा खाते रहते हैं। ये एक ही रात में 60 किलो से भी ज्यादा चारा खा सकते हैं। हिप्पोपोटामस दिखने में भले ही प्यारे लगते हों, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये अपने इलाके में आने वाले किसी भी जीव पर हमला कर देते हैं। इनके दांत बड़े खतरनाक होते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। इनके दो सबसे नुकीले दांत की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। हिप्पोपोटामस की बाइट फोर्स लगभग 1820 PSI होती है और दरियाई घोड़ा अपने मुंह को लगभग 4 फीट तक खोल सकता है। दरियाई घोड़े के शरीर की चर्बी बहुत मोटी होती है, जिसकी मोटाई 6 सेंटीमीटर यानी 2 इंच तक हो सकती है।
कहा जाता है कि इनके शरीर के ऊपर के हिस्से की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि यह बुलेट प्रूफ की तरह होता है। दरियाई घोड़ा के बच्चों को काल्फ कहा जाता है। संक्षेप में दरियाई घोड़े की जानकारी। नाम दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटेमस या हिप्पो। वैज्ञानिक नाम हिप्पोपोटेमस एम्फिबियस। जानवर का प्रकार स्तनधारी। भोजन शाकाहारी। सामान्य जीवन काल लगभग 40 वर्ष तक। आकार सिर और शरीर 9.5 से 14 फीट, ऊंच 13.75 से 19.75 इंच। वजन लगभग 1.5 से 4 टन। दांत की लंबाई अधिकतम 20 इंच डॉट। निवास स्थान अफ्रीका का मूल निवासी। रफ्तार लगभग 30.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बाइट फोर्स लगभग 1820 PSI। हमारे आगामी वीडियोस में हम हिप्पो की अन्य जानवरों से मुकाबले देखेंगे। इस वीडियो के अगले पार्ट को देखना न भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा। दोस्तों, क्या आपने हिप्पो को भारत में देखा है? यदि देखा है तो कहाँ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। We tried our best to provide correct facts and information, but the all information are collected from online sources, so please excuse us if you found any wrong information in the video, and comment us in the comment box about the information that you found not suitable. Thanks for watching our videos. हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है, और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Thanks for watching. I predict that the 21st century is going to be